हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, शाम के 5:30 बज गए हैं और कई दिन से जो है ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ में। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, और आज गिर गई है कान में मक्खी। मक्खी चली गई है अंदर, वो निकली नहीं। तो अभी जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पर, देखते हैं, और मंदिर में भी जा सकते हैं। अभी मेरा अनुमान ही है, वैसे तो देर सी होगी। चलिए देखते हैं क्या क्या करेंगे। तैयार हो? ये आने में टेम लगा, देखो। और मैं आ गई थी इनसे पहले। मैं तो आई जाऊं। फिरकी कहाँ रखी? उसकी जेब में ही होगी फिरकी उसकी। पापा से कहते हैं ना, खोल लगवा लो ग्लूकोज, इसे दे दे के पटके के, कुछ भी नहीं हुआ। तीन लगवा दी। इधर मंदिर में हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया है, उधर से श्रद्धालु जो है पूरी श्रद्धा से लगे हुए हैं। धार्मिक स्थल एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ सारा तनाव, सब कुछ, स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है आके, और केवल भगवान और भगवान के चरण स्पर्श से सारे संकट दूर होते हैं। चलिए परिक्रमा करते हैं। चलो। वहाँ पर विराजमान है और चार माताएं यहाँ पर, और नवदुर्गा। नवदुर्गा पूजा हमने कर ली है और बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर, शोर शराबा जाता है। तो कैसा लगा मंदिर में? मंदिर सही लगता है, मन को शांति मिलती है, सुकून भरी फीलिंग, एक सुकून भरी फीलिंग तो होती है मंदिर में आके। और ये हमारे पास के कस्बा बुडाना में है हनुमान मंदिर, और इसे जो है नदी वाला मंदिर भी बोलते हैं, जो फेमस नाम है इनका, तो वो है नदी वाला मंदिर। यहीं से शुरुआत करी थी हमने लोगों की, और इसलिए हम यहाँ पर बार बार आते हैं पूजा अर्चना करने और भगवान से मिन्नतें करने कि अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बनाए रखिएगा। तो और इस चैनल पर शायद ये दूसरी है ना वीडियो इस मंदिर की। हाँ, जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तब से हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब और बबली पर, ये दूसरा वीडियो है इस मंदिर का। तो जी, यहाँ से जो है बार बार आने का मन करता है, क्योंकि कुछ चीज़ों से ना जो पहले फीलिंग्स होती है वो।
काशी वो वाला है जुड़ाव यहाँ से, और बार बार मन करता है दर्शन करने आने को। और बहुत अच्छा मंदिर है, एकदम नदी किनारे बसा हुआ है। तो जी चलो अभी पूजा कर लिया हमने, और आज मंगलवार है तो हनुमान जी को तो मनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम मना लिए हैं हनुमान जी। और बार बार जो है उनके दरबार में, और हिंदी दिवस भी है जी आज, हिंदी दिवस तो राधा रानी, तो कई सारे जो हैं अवसर हैं आज पूजा अर्चना करने के, तो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगा दी है। और उम्मीद करते हैं कि भगवान जी यहाँ पर बार बार बुलाते रहें और हमें आते रहें, और आप सबको भी दर्शन कराते रहें, भी दर्शन कराते हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, पार्क है मंदिर परिसर में ही, बहुत अच्छा पार्क है, वही छोटा सा पार्क जिसमें हम पूरा परिवार आके पहली बार प्रसाद खाया था, और नंदिनी भी थी तब तक, आरुष और आरुषी तो थे, वो भी छोटे थे एक एक डेढ़ डेढ़ साल के थे, चलना सीख गए थे और थोड़ा थोड़ा बोलते थे। लगभग 2 साल होने वाले हैं जब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी अपना व्लॉग वीडियो बनाने की, तो इस पार्क में बैठे थे जी हम, और 9 अक्टूबर 2019 की बात है ये। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पार्क बना हुआ है, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है इस पार्क में भी। और ये देखिए, ये है मंदिर का स्ट्रक्चर, और मंदिर जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी होती रहती है धीरे धीरे, मतलब डेवलपमेंट इनमें भी होता है। तो पहले एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, हनुमान जी के मंदिर की स्थापना यहाँ पे सबसे पहले हुई थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और कई मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मंदिर बना दिया गया है। काफ़ी अच्छी संस्था है यहाँ पे जो इसकी साफ़ सफाई और रख रखाव का ध्यान भी रखती है, तो ऐसे में जो है श्रद्धालु भी बहुत आते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि धार्मिक स्थलों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और इस दीवार के पीछे ना, बिल्कुल ये जो दीवार दिखाई दे रही है, नदी है यहाँ पर। अब तो पानी वानी तो आता नहीं, तो धारा प्रवाह तो उसकी ऐसी ही है, मतलब गंदे नाले हो गए हैं, अब नदी कहाँ रही है। और पहले ये खुला था तो बहुत अच्छा लगता था नदी किनारे यहाँ पर बैठना। और ये जो है मंदिर के प्रांगण में खुली हवा थी यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ दीवार कर दी गई है क्योंकि नदियाँ भी गंदी हो चुकी हैं। एक बार और दिखा दूँ, ये है नदी वाला मंदिर बुडाना, हनुमान जी का मेन मंदिर है यहाँ पे, और बाकी सब जो हैं। और फिलहाल हम लोग जो है पार्क में, और फिलहाल हम पार्क में हैं, तो अभी दिन छिपने वाला है और अभी हम चलते हैं घर, यहाँ पे पूजा अर्चना हो गई है। चलो जी, थोड़ा अंधेरा तो हो गया है, लेकिन अभी हमें चिंकी की कॉपी लेनी है, कल स्कूल जाएगी वो, कल से उसकी भी स्टार्टिंग है, उसकी गाड़ी आएगी कल, तो अभी ये लेने के लिए गए हैं दुकान पर। घर पहुंच चुके हैं, और गुड्डू के पापा की आंख में गिर गया था मच्छर रास्ते में, उन्होंने जो है ऊपर कर रखा था सीसा हेलमेट का। और ये देखिए, चिंकी की कॉपी हम ले आए हैं, और चिंकी के हाथ में हमने थमा दिया है, जिससे कि उसमें से एक भी गुड्डू ना निकाले। गुड्डू के जेल पेन है, तेरे नहीं है वे, देखो कैसे चिपकाती तो मैंने इसको बता दिया है, नहीं तो जेल पेन भी इसने अपनी कस्टडी में कर लिए थे कॉपी के साथ साथ में। और कल चिंकी का जो है फर्स्ट डे है, तो ड्रेस टाई बेल्ट सब तैयार है, बैग भी तैयार है, बस जाने की देरी है, कल गाड़ी आएगी। ड्रेस प्रेस कर दिए, प्रेस कर रखी थी ड्रेस पर, ठीक है। कैसी फीलिंग हो रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे बच्चे बोर हो गए घर रह के, टीवी देख के, फोन देख के, घर के काम देख के, घर पढ़ पढ़ के क्या करे, स्कूल में बहुत सारा टाइम पास हो जाए बच्चों का, इनकी कोई गलती नहीं है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी प्रसाद भी चढ़ाए हैं, कान भी दिखाए हैं, कान में तो कुछ निकला नहीं, हाँ डॉक्टर ने मना कर, प्रसाद भी है इसमें थोड़ा सा, तो जी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसमें कुछ नहीं है, निकल गया होगा, तब आपने दवाई गिरी थी, तो ऐसा भी हो सकता है निकल भी सकता है, निकल गया होगा, कान बिल्कुल साफ है एकदम। फिर हमें ऐसे कर रहे थे, वो गिर भी गई हो नीचे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने को तो, लेकिन कान में भी कुछ नहीं मिला, दोनों कान बिल्कुल साफ है, दोनों चेक करा लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ ना, नाक कान आँख, इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। और उसको चलाने की पूरी प्रैक्टिस होगी इस वाली गाड़ी की, ये देखो घुमाना चलाना दुड़ाना। अरे नंदिनी को भी सिखा दे भाई, नंदिनी को भी सिखा भाई, नंदिनी चला करेगी फिर।
हाँ एक दिन में बड़ी करनी उसे, ठीक है। अच्छा उन्हें तो पढ़ना, तुझे क्या करना? सर मुंह धोना। अच्छा अच्छा।